मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के दौरान उन्होंने देहरा की जनता से जो वादे किए थे वे पूरा कर चुके हैं और देहरा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। ऐसे चुनकर कमलेश ठाकुर जी आई है तो निश्चित तौर पर देहरा जो 15 कंस्टिट्यूएंसी में थोड़ा सा पीछे रह गया था उसके विकास में हमने धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं और हम इसमें धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। सबसे पहले यहाँ SP ऑफिस दिया, फिर BMO का ऑफिस दिया, फिर SC IPH ऑफिस दिया, फिर SC PWD ऑफिस दिया। ये सारे ऑफिस हमने SC इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दिया, ये सारे ऑफिस यहाँ खोल दिए गए हैं और इनमें पोस्टें भी सेंक्शन कर दी गई हैं। और अभी जू के लिए पानी के लिए 5-4.5 करोड़ रुपया स्वीकृत किया। पोंग डैम ऑस्टिस की जो बात थी उसका कार्य जो 40-50 साल से जिनको बेचारे घरों में नहीं रह रहे हैं, जिनको सरकारी जगह पर रह रहे थे लेकिन बोनोफाइड सर्टिफिकेट बनाने में भी दिक्कत आ रही थी, उनके केस को सेटल करने की हमारी सरकार प्रयास कर रही है। और देहरा 3 विधानसभा क्षेत्रों को सिंचित करता है, जैसे कि ज्वालामुखी है, जसवा प्रागपुर है, तो हर जगह पुलिस की चौकी दी। DSP ऑफिस डाडा सिब्बा दिया, ज्वालामुखी में दिया, एक्सिन ऑफिस ज्वालामुखी ज्वाला जी दिया। तो ये सारे ऑफिस इसलिए दिए गए कि बड़ा जिला होने के बाद, जिले तो कई है, बड़ा जिला होने के बाद इन क्षेत्रों का जो विकास पिछले कुछ समय से रुका हुआ था उसको आगे बढ़ाया जाए। अब एक डिस्ट्रिक्ट में 15 जिले हैं और एक डिस्ट्रिक्ट में 3 जिले हैं, एक में 4 जिले, एक में 5 जिले हैं। जो फंड का एलोकेशंस होता है उस फंड के एलोकेशंस में जिला वाइज जब एलोकेशंस करते तो उसमें थोड़ी बहुत कहीं कमी रह जाती है, लेकिन देहरा को एक हमने इकाई स्थापित कर यहाँ फंड का प्रभाव भी हम कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में देहरा को टूरिज्म की दृष्टि से हम विकसित करने जा रहे हैं। देहरा में और पोंग में जहाँ पानी होगा वहाँ शिकारा भी चलाएंगे, हाउस बोट्स भी चलाएंगे, जेट स्की भी चलाएंगे और क्रूज भी चलाएंगे पूरे कांगड़ा क्षेत्र में, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल के रूप में हम विकसित कर रहे हैं, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। और देहरा में जल्दी ही एक अच्छा सा होटल भी हम यहाँ बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए अधिक से अधिक हम पैसा स्वीकृत करने की कोशिश करेंगे। और जो भी देहरा के विकास में हो सकेगा, पिछले दिनों में देहरा गडकरी जी से मिला था तो नैनीताल से रानीताल से लेकर ये मुबारकपुर तक 4 लेन की बात की थी, उसकी कंसल्टेंसी उन्होंने अपॉइंट कर दी थी, पिछली बार भी मेरी उनसे बात हुई थी। और देहरा में जो पुल है, अभी मैंने ज्वाली में एक 66 करोड़ रुपए का पुल का भी स्वीकृति दी है और एक और पुल इन्होंने बताया है मुझे जिसका अगले साल हम सेतु समुद्र में उसका स्वीकृति दे देंगे। और ये जो पुल की स्वीकृति मिलती है, ये जो हमारा टैक्सीज का पैसा होता है उसके द्वारा मिलती है, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो निश्चित तौर पर यहाँ अभी हम मेरे स्टाफ भी बैठेगा और इस ऑफिस के द्वारा लोगों के कार्य भी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, कांगड़ा।